मध्य महेश्वर उत्तराखंड के 5 केदारों में से दूसरा केदार, जहां भगवान शिव के मध्य भाग यानी उनकी नाभि की पूजा होती है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ तो मैंने आपको खूब दिखाई, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मध्य महेश्वर की शांति, जो आपका मन मोह लेगी। मैं आपको लेके चल रही हूँ इस वर्चुअल यात्रा पे, जहाँ मैं आपको दर्शन कराऊंगी, यहाँ के सुंदर नज़ारे दिखाऊंगी और यहाँ के बारे में कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए लेते हैं महादेव का नाम और करते हैं शुरू। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सिमरन सिंह व्लॉग्स पे। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैं हूँ अपनी मध्य महेश्वर केदार की यात्रा पर, तो इस वक्त मैं हूँ अगतोली। ये लास्ट स्टॉप है जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ ला सकते हो। वैसे ट्रैक रांची से शुरू होता है, आपकी पर्सनल कार है तो आप अगतोली तक आ सकते हो, एनी इधर आप पार्क कर सकते हो। एज यू कैन सी, यहाँ पे सबने अपनी कार्स और बाइक्स पार्क करके रखी है। एंड यहाँ से हमें डाउनहिल जाना होता है, एक रास्ता इधर है एक रास्ता इधर है, तो हमें यहाँ से नीचे की ओर जाना है और यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर हम जाएंगे गोंडार के लिए। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो मध्य महेश्वर है वो यहाँ अगतोली से 14 किलोमीटर है, बट जो यहाँ के लोकल्स हैं, लाइक मैंने ऊखी मठ में भी एक शॉप पे रुकी थी, वहाँ पे भी, और रांची में भी मुझे जितने भी वहाँ पे शॉप ओनर्स लोकल्स मिले, होमस्टे वाले मिले, सब ने यही कहा कि जो लिखा है उस पर मत जाओ, वहाँ से आपको दिखाएगा 14.5 किलोमीटर, बट पूरा ट्रैक लगभग 22 किलोमीटर का है, तो वो तो आप देखो करके ही पता चलेगा, बट हाँ लोकल्स गलत नहीं हो सकते। तो एज़ पर लोकल्स 14.5 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है मध्य महेश्वर, और उनका कहना है कि ये केदारनाथ से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो केदारनाथ मैं कर चुकी हूँ, और नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, मेरे केदारनाथ यात्रा की प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। और बाकी अब ये करते हैं और फिर हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कितना सही है और कितना गलत। तो अभी हम गोंडार के लिए निकले हुए हैं, एंड गोंडार तक पूरा आपका जो ट्रैक है वो डाउनहिल जाता है, एंड यहाँ पे बहुत पीसफुल है। यहाँ आपको केदारनाथ जैसा रश तो नहीं मिलेगा, और ना ही मतलब यहाँ पे भी घोड़े खच्चर जो हैं वो ऊपर लेकर जाते हैं, उसके चार्जेस भी मैं पता करके आप लोगों को बता दूँगी। बाकी केदारनाथ जितना रश नहीं है, तो आप ईजीली पैदल चल पा रहे हो, वहाँ पे तो खच्चरों की वजह से आपको पैदल चलने की जगह भी नहीं मिलती। तो गोंडार से 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और 2 किलोमीटर चलने के बाद हमारा पहला वाटरफॉल ये आया है, और एक सामने भी है और एक ब्रिज भी बना हुआ है। So let me show you guys. कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है, दवाई से नाता तोड़ो, सफाई से नाता जोड़ो, सब लोगों की एक दवाई, एक तरफ रखो साफ सफाई। जगह जगह लिखा है यहाँ पे पत्थरों पे, जैसे हम जैसे लोग आके यहाँ गंदगी ना फैला के जाए। कुछ दूर आगे चले ही थे कि हमें मिल गया देवी धार मंदिर, जहाँ हाथ जोड़ के हमने प्रार्थना की कि हमारी ये शिव यात्रा सफल रहे, और फिर हम बढ़े आगे की ओर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गोंडार, और हमने अपना 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया है, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट आएगा बनतोली। तो यहाँ तक पूरा ट्रैक डाउनहिल था, बट धूप जो है वो बहुत 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 ज़्यादा हो रही है, यू कैन सी बहुत तेज़ है, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज़ अगर धूप नहीं होती है तो हम और भी जल्दी आ जाते, हमें गोंडार तक आने में 2 घंटे लगे हैं, है ना, 2 से कम नहीं आए। ये गोंडार, यहाँ पे लाइन से आपको काफ़ी सारे होम स्टेज मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो। इस शेल्टर में हम रुके हैं, यहाँ पे आपको बुरहानगढ़
भी जूस भी मिल जाएगा। तो जब आप ट्रैक शुरू करोगे तो ग्वांडर तक आने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पूरा डाउन हिल है, बट आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग शुरू करना। हमें शुरू करते करते बहुत लेट हो गया। हम अक्तोली से हमने 850 पे ट्रैक करना शुरू किया है। अगर यही हम सुबह 6 बजे स्टार्ट कर लेते तो अभी हम बहुत आगे होते, और जो धूप होती वो हमें उतनी नहीं लगती, बट क्योंकि हमारा ट्रैक लेट शुरू हुआ तो अभी धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। एंड मैं कुछ कैप भी लाई हूँ, तो अगर आप आ रहे हो तो अपने लिए एक सन कैप भी लेके आ जाना। अब मिलते हैं बंदोली में। जब से हमने ट्रैक शुरू किया है अब ये पहला शेल्टर आया है। बंतोली आने वाला है मधमेश्वर, यहाँ से 9.75 बजे है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा है। तो जब पांडव कौरवों की हत्या करते हैं तो भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए वो महादेव के पास जाते हैं, लेकिन महादेव उनको दर्शन नहीं देना चाहते क्योंकि वो उनसे बहुत नाराज थे, तो वो एक बैल का रूप लेके छुप जाते हैं। अब जो भीम था वो उनको उनके बैल के रूप में पहचान लेता है, तो फिर वो बैल के रूप में धरती में धंसने लगते हैं और तभी भीम उनको पीठ से पकड़ लेता है और फिर वो 5 जगह पे अलग अलग हिस्सों में प्रकट होते हैं, जैसे केदारनाथ में उनकी पीठ, तुंगनाथ में उनकी बाजुए, कल्पेश्वर में उनकी जटाएं, रुद्रनाथ में उनका मुख और मधमहेश्वर में उनका मध्य भाग प्रकट होता है। बेहद सुंदर नज़ारों के साथ जगह जगह यहाँ पर आपको मधुगंगा और मुरखंडा नदी के दर्शन भी बहुत अच्छे से होंगे। तो देखो अब हम आ गए हैं बंतोली, ठीक है, और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है इधर, एक रास्ता जा रहा है नीचे, ठीक है। पहले हम भी बहुत कंफ्यूज थे किधर जाना है, फिर कोई नीचे से आया तो हमें पता चला यहाँ से आप नीचे जाओगे। और देखो उधर एक पुल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है एक बार में एक ही या तो एक आदमी या फिर एक खाली घोड़ा ही पुल पर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की ओर जाने का है। कितना अच्छा लगता है ना जब ट्रैक पर नीचे नीचे जाना हो, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ने की बारी आती है ना फिर तब पता चलता है। और अभी तो नीचे जाना इजी है, लेकिन जब ट्रैक करने के बाद जो सोरनेस हो जाती है उसके बाद तो डाउन हिल मुझे ज़्यादा टफ लगता है एज़ कम्पेयर टू अप हिल। मुझे लगता है कि ऊपर तो चलो चढ़ गए, लेकिन जब नीचे आते हैं ना फिर तो काफ मसल और जो घुटने हैं ना मेरे तो पूरे लॉक हो जाते हैं हर बार ही। मैं इतने ट्रैक्स कर चुकी हूँ बट हमेशा मेरे को डाउन हिल में बहुत पेन होता है। बाकी यहाँ का रास्ता थोड़ा ऐसा ही है, बहुत ख़राब सा है नीचे जाने का पुल की तरफ, तो फोर मंदिर के नीचे जाते हैं। मतलब देखो उधर से दिखाया था मैंने आपको पुल, और यहाँ से आप जो पूरा आओगे ना अभी तो दिख नहीं रहा, और वहाँ पे रास्ता इतना ख़राब था कि मैंने फ़ोन ऑन नहीं किया, बट ये कोई सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ पे पूरी मिट्टी और ये पूरा ऐसे स्लैंटिंग है। देखो ये बंतोली पे आपको ये पुल मिलेगा, ठीक है, बट इसके उतरने का जो रास्ता है नीचे वो बहुत 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 ख़राब है। तो अगर मुझे अकेले उतरना होता तो मैं सच में मैं तो गिर ही जाती। वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप पैर रख सकते हो, इट्स लाइक कच्ची मिट्टी जो आपके पैर रखते ही नीचे की तरफ बह जाएगी, मतलब ढल जाएगी। और पैर रखने के लिए कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे है और सिर्फ मिट्टी और बहुत लूज मिट्टी है। और मैं आपको दिखाऊंगी एक बूढ़ी माई, बहुत बूढ़ी माई है, ठीक है, और हम यहाँ पे इतने गियर्स लेके ट्रैकिंग जूते पहन पहन के ट्रैक कर रहे होते हैं। और पता है मैं अकेले ट्रैक कर रही थी इधर, मतलब कोई था नहीं, अचानक से वो बूढ़ी माई आई है, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के वो पूरा मिट्टी का रास्ता पार करवाया है, मेरा हाथ छोड़ा नहीं, और उसके बाद मुझे पुल पार करवाया है। पुल तो कर सकते थे बट उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे पूरा रास्ता ऊपर से नीचे तक हाथ पकड़ के करवाया। मैं खुद से नहीं कर पाती, मैं खुद से करती मैं गिर जाती, किसी को मेरा हाथ पकड़ नहीं पड़ता। और अचानक से बूढ़ी माई ने आके मेरा हाथ पकड़ के मुझे पूरा रास्ता ऐसे करवा दिया, मतलब सब बाबा का चमत्कार है भाई। और दूर दूर तक नहीं थी वो, अचानक से वो आई हैं और उन्होंने मुझे रास्ता पार करा दिया है, और वो यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ रही हैं।
देखो वो भी हाथ पकड़ के उतरवा रहे हैं। अगर आपने मतलब ये पूरा ऐसे है, अगर आपने किसी का हाथ सच में नहीं पकड़ रखा और आपके पास किसी लाठी का भी सपोर्ट नहीं है ना, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए करना। उन्होंने पहले मुझे अपनी लाठी ऑफर की ऊपर की साइड ही, तब मुझे नहीं पता था नीचे रास्ता ऐसा होगा, तो मैंने उन्हें बोला नहीं नहीं आप रखो मुझे नहीं चाहिए। फिर वो खुद ही आ गई, उन्होंने हाथ पकड़ा कंधे पे रखा मेरा हाथ और चलो भाई। तो चलो अब आगे की ओर चलते हैं, इधर की साइड ही जाना है शायद, तो चलो चलते हैं। बाकी हमारे पीछे साकल लोग भी आ रहे हैं, तो जिसका जो स्पेस है उससे चलते रहो। देखो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। आप शुरू में बहुत जल्दी जल्दी भागोगे ना, आप इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे, इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे कि आप बाकी का ट्रैक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 1 to 2 kilometers, आपको 16, 18, 20 किलोमीटर चढ़ना है भाई। तो आप धीरे धीरे करो, एक पेस बना के रखो, धीरे धीरे चलते रहो और बस हो जाएगा। बीच बीच में पानी का सिप लो। मैं केदारनाथ यात्रा पे भी यही बोल रही थी, ठीक है यहाँ पे भी वही बोलूँगी, बस सिप लेते रहो चलते रहो। यहाँ मैं आपको बंतोली के कुछ होम स्टेज के नंबर दिखा रही हूँ। तो अगर आप भी महादेव की इस यात्रा पर मध महेश्वर आना चाहते हैं और आप पूरा ट्रैक एक दिन में नहीं कर सकते, तो आप बंतोली में स्टॉप ले सकते हैं और यहाँ पे आपको 200 rupees पर पर्सन के हिसाब से आराम से रूम मिल जाएगा। मैं बात करूं ट्रैक के रास्ते की, तो अगर आप केदारनाथ धाम गए हो तो जैसे वहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी चौड़ा है, यहाँ का रास्ता इतना चौड़ा नहीं है, छोटा रास्ता है। एंड फ़ायदा बस इतना है कि यहाँ पे ना ज़्यादा घोड़े घच्चर नहीं है। लाइक मेरा 8 kilometers हो गया, मुझे अभी तक सिर्फ 5 खच्चर नीचे जाते हुए मिले हैं और 2 ऊपर जाते रहे, तो बहुत ज़्यादा घोड़े खच्चर ना होने की वजह से हम पैदल यात्रियों के लिए अच्छी जगह है चलने की। केदारनाथ में ये होता था कि घोड़े खच्चर इतने होते थे कि पैदल चलने वाले ढंग से चल ही नहीं पाता था, तो बस ये चीज़ बहुत सही है। बाकी आपको वो फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं मिलेगी जो आपको केदारनाथ धाम में मिलती है, ठीक है। जो 2-3 kilometers में कोई एक गांव आता है वहाँ आपको एक छोटी शॉप मिल जाएगी, ठीक है, और बहुत कमर्शियलाइज नहीं है अभी, इसलिए यहाँ पे ना ज़्यादा रश है ना इतनी शॉप्स है, ठीक है। किसी किसी गांव में आपको होम स्टेज मिलेंगे, बट हर थोड़ी दूर में कुछ पानी की, पीने का पानी हो गया, जूस होता है, किए होते हैं, जो भी आपको एनर्जी के लिए चीज़ें ट्रैक के दौरान मिलती है ऑन सीज़न, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, जबकि अभी सीज़न ऑन है, बट पूरा खाली ट्रैक आपको मिलेगा। वॉशरूम भी आपको यहाँ ट्रैक पे कहीं नहीं मिलेगा, अभी आधा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, अभी तक कहीं पे वॉशरूम यहाँ नहीं मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, केदारनाथ बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है, वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं अब, तो वहाँ पे हर फैसिलिटी आपको उस हिसाब से मिलती है। यहाँ पे अभी इतना कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है, लोग इतने नहीं आते हैं, तो इस हिसाब से जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो कम हैं, बट उसका फ़ायदा है कि बहुत पीसफुल है। आप जो दर्शन के लिए जा रहे हैं आप बहुत शांत मन से ऊपर जा पाएंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप शांति से अपने रास्ते पे जाओ, जहाँ थको वहाँ महादेव का नाम ले लो और बस चलते रहो। अब पूरी की पूरी चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई होने वाली है, कहीं पे भी डाउन हिल या प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे पानी का सिर्फ लेते लेते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सांस फूलने लग जाएगी। उसके लिए भी एक हैक है कि एक टैंकी में आप कपूर बांध के रख सकते हो, कपूर या देसी कपूर, और आप उसको स्मेल करते रहो, इनहेल करो उसको लगा के, तो वो भी थोड़ा हेल्प करता है। अब ट्रैक मुश्किल होता जा रहा था और आगे जाके देखना नानू पे तो किलोमीटर्स भी दिखना बंद हो गए थे। यहीं से शुरू होता है सारा स्कैम। फाइनली नानू पहुंच गए भाई,
और यहाँ तक आते आते हो चुकी है हालत ख़राब। अब यहाँ रुक के कुछ खाएंगे पियेंगे। नानो में भी आपको 200 रुपीस पर पर्सन के हिसाब से रूम मिल जाएंगे, तो अगर पूरा ट्रैक एक दिन में नहीं करना तो यहाँ रुक जाना, क्योंकि इसके बाद अगला गांव बहुत टाइम बाद आएगा। हम अभी पहुँचे हैं नानो। नानो में हमने मैगी ब्रेक लिया है, 60 रुपीस की एक मैगी मिली है और सिर्फ मैगी ही अवेलेबल थी। अगर खाना चाहिए तो एक घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग खाना बना के नहीं रखते हैं, ये आपके ऑर्डर देने के बाद ही फ्रेश बनाते हैं। तो उन्होंने बोला 1 आवर आपको रुकना पड़ेगा खाने के लिए, और मैगी तो 5 मिनट में ही दे दी थी। और अब वापस ऊपर चढ़ रहे हैं, और यहाँ तक आते आते हमें ये खबर मिली है कि ऊपर बिल्कुल भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। नानो में भी एक ही रूम था, वो 200 पर पर्सन के हिसाब से 6 लोगों को दे दिया जस्ट हमसे पहले, तो है नहीं अवेलेबल। उनको नानो से ऊपर जा रहे थे और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, ठीक है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, तो बारिश हो रही है, तो अभी मैं रुकी हूँ अपना रेनकोट निकालने के लिए और फिर हम उसको पहन के भी चलते रहेंगे क्योंकि रुकने का टाइम नहीं है, शाम होने वाली है, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, आपको चलते रहना है क्योंकि शिव यूं ही थोड़े मिलते हैं। तो बस धीरे धीरे चलो, और बाकी जितना सुंदर ये दिखता है उतना ही मुश्किल भी है, इट्स नॉट एन ईजी ट्रैक एट ऑल। एंड यहाँ पे ऐसे आपको पूरी खड़ी चढ़ाई मिलती है, तो हाँ आप थक जाओगे, एंड अगर आपको इतना ट्रैक की आदत नहीं है तो फिर आप बीच में कहीं स्टे ले सकते हो और उसके बाद ऊपर जा सकते हो। फिलहाल तो हम ऊपर ही जा रहे हैं आज, लेकिन हाँ बहुत खड़ी चढ़ाई है तो थकान तो हो रही है। चलो फिर रेनकोट पहनते हैं, गीले होने शुरू हो चुके हैं, गीला गीला होने लग गया है, तो सामान ढकना है, जैकेट ढकनी है। अगर ये गीली हो गई तो फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड मिलने वाली है, तो फिर कवर करते हैं और फिर दोबारा ऊपर चलते हैं। यार देखो पीछे कितना सुंदर लग रहा है, सी द ब्यूटी यू गाइस, ओह माय गॉड, दिस इज टू ब्यूटीफुल। ये ट्रैक आपकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आपकी सोच से भी ज़्यादा खड़ी जगह है यहाँ पे, वो भी ऊपर तक जा। देखो ट्रैक के रास्ते आपको इतना सुंदर मिलेंगे, लेकिन अभी हम हैं इधर और आपको ऊपर दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कहाँ से कहाँ जाना है, देखते हैं इसके रास्ते कहाँ से। सूरज ढलने लगा था लेकिन हम अब भी अपनी मंजिल से बहुत दूर थे। देखते ही देखते इतना गुप्त अंधेरा हो गया और पूरे घने जंगल के बीच हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब आगे हम कैसे जाएं। हो गया फ्लैश, चलो सब हाय बोल दो। देखो ये है कूनचट्टी, यहाँ पे ये होम स्टे था, तो रात को हमने यहीं पे स्टे किया, ठीक है। अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो इट्स लाइक दिस ओनली एंड दे हैव देयर किचन हियर, और यहाँ से मधमहेश्वर दिखा रहा है इतना। पहली बात तो 16 किलोमीटर का ट्रैक है, इज़ अ स्कैम, दिस इज़ नॉट अ 16 किलोमीटर ट्रैक, ये आपका 23-24 किलोमीटर का ट्रैक है। एंड ये बात हमको नीचे भी लोकल्स ने बता दी थी कि लिखे हुए बोर्ड से मत जाओ, ये ट्रैक आपका 23-24 किलोमीटर का है और ये आपको केदारनाथ से भी मुश्किल लगेगा। बट हमें लगा यार कहाँ तक आए थे हम, ऐसे मंदोली तक हमने, मतलब हम 2 घंटे में हमने 5 किलोमीटर कवर कर लिया था, तो हमें लगा यार अब तो हम कर लेंगे। बट उसके बाद 7 घंटे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा 7 घंटे चलने के बाद भी, दो घंटे हम पहले चले, फिर 7 घंटे चलने के बाद भी हमारा ट्रैक 4 किलोमीटर का बचा था, और रात में हमारी ऐसी हालत हो चुकी थी ना कि अगर एक कदम भी चलेंगे ना तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, हम इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे। एंड
ये चीज़ ना यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आने से पहले पहले बहुत व्लॉग्स देखे हैं, ठीक है, सब सुंदर वादियाँ दिखाते हैं, 16 किलोमीटर का ट्रैक बताते हैं, नानू रुक जाओ, बंतोली रुक जाओ तो ये बताते हैं, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट्स डिफिकल्टी लेवल। सांस लेने दो, 2 मिनट बाद और बात करूँगी। चलिए कहाँ थे हम, यहाँ ये अभी तक कोई नहीं दिखा था। ये 23 किलोमीटर का ट्रैक है और कल हम रुके कूनचट्टी पे, वहाँ से मधमहेश्वर 2.95 समथिंग बचा था, इतना ही बचा था, बट उतना चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मतलब एक होता है कि आप यहाँ तक आ गए हो, अभी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा और चल लो, इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 किलोमीटर्स, पर वो भी नहीं हो पाया, इतना डिफिकल्ट था। मतलब बंदोली तक इट्स ईजी, उसके बाद से बहुत स्टीप होना शुरू हो जाएगा नानू तक, एंड देन मैं खंभा से, तो आपका ये अलग ही लेवल का स्टीप है भाई। मैंने केदारनाथ किया है, केदारनाथ मुझे इससे बहुत आसान लगा, बहुत आसान, मतलब मैं एक दिन में चढ़ के उतर जाऊंगी केदारनाथ, लेकिन यहाँ पे ना एक दिन में पहुँचना भी मुश्किल है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू ब्रेक डाउन योर ट्रैक इफ यू आर डूइंग मधमहेश्वर, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, गोंडार या बंतोली रुक जाते हैं, वो मत करो, वहाँ तक ईजी है, कोई फ़ायदा नहीं है इफ यू आर ब्रेकिंग इट डाउन वहाँ तक, बिकॉज नेक्स्ट डे आपको फिर अगला बहुत ही स्टीप चढ़ना पड़ेगा। तो आप पहले दिन आपसे जितना हो सक रहा है ना उतना कवर कर लो, खटारिया में खंभा तक आ जाओ, एंड नेक्स्ट डे फिर वहाँ से शुरू करो। और अगर आपको लगता है कि आप एक ही दिन में कर भी सकते हो, आपके लिए 23-24 किलोमीटर और इंक्लाइनेशन मैटर नहीं रखती और आपको बहुत प्रैक्टिस है, देन स्टार्ट योर ट्रैक अर्ली, सुबह 6 बजे अपना ट्रैक शुरू कर दो, सो दैट शाम के 6 बजे तक की आरती पे आप पहुँच जाओ, क्योंकि इफ़ यू आर स्टार्टिंग इट लेट तो आप फिर शाम की आरती के टाइम तक नहीं पहुँच पाओगे, सो यू हैव टू स्टार्ट इट वेरी अर्ली, लाइक वी स्टार्टेड एट 9 o'clock कल, तो हम आरती तक, और हमें तो हम पहुँच जाएंगे, हमने केदारनाथ करा है और ये तो उससे भी कम है, ये तो 16 किलोमीटर है, अक्तौली से 14.5 किलोमीटर ही है, तो हम चले जाएंगे और 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, आरती भी अटेंड कर लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, एट द एंड हमें 7 बजे कूनचट्टी पे ही रुकना पड़ा, एंड बहुत अच्छे होम स्टेज आपको नहीं मिलेंगे, बट जब आपकी वॉट लगी हुई है ना, जब एक एक्सट्रीमली इतना थके हुए हो कि आप एक कदम भी चलोगे ना तो आपकी जान आपकी हलक में आ जाएगी, तब आपको ना सच में एक झोमट पट्टी भी ना स्वर्ग से कम नहीं लगती। एंड हालत ऐसी थी वहाँ की कि रजाई गद्दे भी बहुत बहुत ही गंदे थे, बट मेरे पास मेरा स्लीपिंग बैग था तो मैं अपने स्लीपिंग बैग में ही सो गई थी, और जस्ट इन केस नहीं होता वो मैं तब भी वहाँ रुकती और मैं सो जाती जैसे भी होता उसके अंदर, क्योंकि आई स्वयं मैं एक भी कदम और कल नहीं चल सकती थी। ऊपर से 6 बजते इतना अंधेरा हो गया था, ये अक्टूबर का मंथ है, विंटर्स आने लग गई है, 6 बजे ही इतना अंधेरा हो गया था, और पूरा मतलब नीचे तक आपको फिर भी लगता है कि आप ट्रैक है, एक साइड नदी है, पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर आते आते ये इतना डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा, ना कि आपको कुछ नहीं दिखेगा। इफ़ यू आर इन ग्रुप तो आप कर सकते हो अंधेरे में भी, बट हम तो 5 के 5 लोग इतना थक गए थे कि वी डिसाइडेड टू स्टे एट कूनचट्टी, और अब यहाँ कूनचट्टी से हमने सुबह ये ट्रैक फिर से शुरू किया है और अब जाएंगे। एंड अभी भी मैं बता रही हूँ ये इतना स्टीप है ना कि सच में अपने कल के डिसीजन पे बहुत मतलब हमको सही लग रहा है कि हम कूनचट्टी रुक गए, क्योंकि कल रात को अगर हमने सोच लिया था चलो 2.5-3 किलोमीटर है चल दे, नहीं हो पाता, जितना कल थके हुए थे बिल्कुल भी नहीं हो पाता। सो जस्ट ब्रेक डाउन योर ट्रैक एंड प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। केदारनाथ किया है तो आपको बता दूँ कि अगर आपने केदारनाथ किया है तो ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, केदारनाथ इसके आगे बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। फाइनली ट्रैक कम्स टू एन एंड, और यहाँ से देखो आपको मंदिर की झलक दिखना शुरू हो जाती है, फाइनली पहुँच गए यार। तो ये फाइनली हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे आपको
काफ़ी सारे होम स्टेज मिल जाएंगे 200 रुपीज़ पर पर्सन में। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि जितने लोग यहाँ पे आए हैं लास्ट एक हफ्ते में, उतना यहाँ पे लोग कभी आए नहीं। तो ऑल ऑफ सडन ये ट्रैक इतना पॉपुलर हो गया है लोगों के बीच, एंड मोस्ट प्रोबेबली थ्रू सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, विच इज़ अ गुड थिंग कि लोग और स्पिरिचुअल हो रहे हैं और अपने धर्म के प्रति और जागरूक हो रहे हैं। तो मुझे तो इस चीज़ में कोई ख़राबी नहीं लगती है, और मंदिर की घंटियाँ सुनाई देने लग गई है। तो एकदम से इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई इस ट्रैक की कि यहाँ पे बहुत लोग आ गए। उतने लोगों के लिए 9 यहाँ के होटल्स और होम स्टेज के पास खाना था और ना रहने की जगह थी। तो यहाँ पे लोगों को रहने की जगह ही नहीं मिली है। कल लोगों ने पूरी पूरी रात बाहर स्पेंड की है। हम नीचे ही रुक गए थे और नीचे भी सब जगह सब फुल हो रहा था। तो अगर आप आओ तो अपनी प्री बुकिंग करके आओ अपने होटल्स की, तो जिसके लिए मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे पवित्र धारा है जिसको आप छू नहीं सकते, बट इसका जल लेके आप अंदर चढ़ा सकते हो। मतलब अंदर आपको लोटा रखना होता है, आप अंदर तक जाके खुद तो नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। फिर ऐसे परिक्रमा करते हुए आप जाओगे, यहाँ पे आपको जगह जगह शिवलिंग्स मिलेंगे, और फिर आपको मिलेगा गौरी शंकर और पार्वती मंदिर। गौरी शंकर का मंदिर मतलब गौरी शंकर मंदिर, देखो कितना सुंदर दर्शन होगा आपको। इसके ठीक साथ में है पार्वती मंदिर। तो ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया परांठा। तो यहाँ पे खाने के लिए होता है नंबर का सिस्टम। यहाँ पे हर शॉप पे एक नंबर होता है, तो आप रैंडम किसी भी शॉप पे जाके या होम स्टे पे जाके अपने लिए खाना नहीं मांग सकते हो। आप पर्टिकुलरली वो आपको बताएंगे आपका नंबर किस शॉप पे, और वही लोग आपको खाना देंगे। और दर्शन हो चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं वापस नीचे की ओर। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, एंड पूरा जो श्रृंगार था वो भी हमने अटेंड किया, पूरी पूजा हमने अटेंड की। और यहाँ पे क्योंकि केदार जैसी भीड़ नहीं है तो बहुत खुले दर्शन हुए। मैंने 2 बार दर्शन किया आधे घंटे के अंदर ही, और बहुत देर हम अंदर भी बैठे, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं बूढ़ा मद महेश्वर, जहाँ पे हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, और नीचे पहुँचते पहुँचते फिर हमें 12-1 बज जाएंगे, और यहाँ पे 6 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है, तो चलना और मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं कभी और आना हुआ तो जाएंगे, बट फिलहाल मंदिर के दर्शन करने आए थे, हमारे वो दर्शन हो गए। द्वितीय केदार जो है उसके दर्शन हमने कर लिए हैं, तो अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की ओर। वापस जाते हुए हम खड़रा तक पहुंचे थे, तो हमने सोचा यहाँ पे चाय मैगी हो जाए, और चाय मैगी खाते खाते मन में सब ये सोच रहे थे कि ये जगह कितनी सुंदर है, काश हम यहाँ रुक पाते अगर हमें नीचे जाने की जल्दी ना होती। और तभी वहाँ इतनी तेज बारिश होने लग गई और पूरा अंधेरा छा गया कि इतने अंधेरे और बारिश में नीचे उतरना नामुमकिन था। तो फिर क्या, हमारे वो मन की इच्छा पूरी हुई और रात में हम यहीं रुक गए। तो जब हम डाउन ट्रैक कर रहे थे तो रात में बहुत अंधेरा हो गया था और एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। हम पहुँचे थे खड़रा, तो फिर ओले पड़ने लग गए थे और बारिश हो गई थी और अंधेरा हो गया था, जिसके अंदर नीचे उतरना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने खड़रा पे ही स्टे ले लिया था, एंड लकीली जहाँ पे हमने ऐसी हॉल्ट लेकर मैगी खाई थी वहीं पे बारिश शुरू हो गई, तो हमने वहीं स्टे लिया, जो कि हमें 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा, और खाने की प्लेट 120 रुपीज़ पर पर्सन थी, एंड खाना भी बहुत सही था,
स्टे भी बहुत अच्छा था, तो आप चाहो तो आप यहाँ रुक सकते हो। काफ़ी नीट एंड क्लीन स्टे मिलेगा आपको एज़ कम्पेयर टू कोनचट्टी में जो मैंने स्टे किया था, उसके हिसाब से यहाँ पे स्टे जो था वो बहुत सही था। तो अगर आप लोग चाहो सब चेकआउट कर सकते हो। और अब हम निकल रहे हैं नीचे। 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ चल रहे हैं, हम पूरे दिन चलते हैं, रात होती है हम सो जाते हैं, फिर हम चलने लग जाते हैं, एंड फाइनली वी आर हियर अगेन। यहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था और वापस हम यहाँ आ चुके हैं। सो मधमहेश्वर यात्रा हमारी यहाँ पे होती है ख़त्म, और अब हम करेंगे तुंगनाथ यात्रा। तो अगर आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं तुंगनाथ यात्रा पे, और हम आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे 5 केदार की यात्रा साथ में करवाएंगे। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय एंड हर हर महादेव।